تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. हम तमाम लेवल वन सब ग्रुप टू मेंबर्स अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और हमने जूज वन से फाइव तक के सफर में क्या सीखा. अंडर द लीडरशिप ऑफ तैयब बाबाजी एंड उस्तादा उम्मे सारा हु इज़ द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दारुल अरकाम. मैं फरहत खान. अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह. आई फील रियली ब्लेस्ड दैट अल्लाह सुबहान व ताला हैज़ चोजन मी एंड गिवन मी दिस प्लेटफॉर्म. इल्म क्या है? इल्म की अहमियत और फजीलत. इल्म नियामत है. अल्लाह ताला ने दुआ करने का हुक्म दिया है. इल्म की तलब करना हर मुसलमान पर फ़र्ज है. सूरह ताहा आयत नंबर 114. रब्बी ज़िदनी इल्मा. ऐ मेरे रब, ज़्यादा दे मुझको, इजाफ़ा कीजिए इल्म में. अगर अपना पर्पस ऑफ क्रिएशन जानना है, अपने रब से कनेक्ट होना है, तो कुरान और दीन का जानना ज़रूरी है ताकि हम जन्नत का रास्ता इख्तियार करें. इल्म हासिल करना है और उसका फ़ायदा पहुँचाना है. इल्म के हुसूल और उसके आदाब. इखलास सबसे पहले सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए हो. उम्मीद और डर में बैलेंस रखें. आजिज़ी, हम्बलनेस, साबित कदमी. इल्म को एब्जॉर्ब करें और उस पर अमल करें. अच्छे दोस्तों को चुनिए ताकि वो मोटिवेट करें. शदीद ख्वाहिश होना ज़रूरी है. टाइम को मैनेज करना है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को हिकमत और आजिज़ी से हैंडल करें. चलिए सिस्टर जुवेरिया से जानते हैं कुरान का नुज़ूल. मेरी इम्तियाज़ है और मैं तालीमुल कुरान लेवल वन सब ग्रुप टू की स्टूडेंट हूँ. इनिशियली मैं ये कोर्स स्टार्ट करने से पीछे हट रही थी, बट मेरे मॉम डैड ने बहुत मोटिवेट किया ज्वाइन करने के लिए. दुआ है कि अब मैं ये पूरा कोर्स जिस 1 to 30 कंप्लीट कर सकूँ, इसका हक अदा कर सकूँ एंड जो मैं सीखूँ उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकूँ. कुरान अल्लाह सुबहानहू व तआला का कलाम है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने ली है. कुरान का इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम कुरान सीखेंगे और इस पर अमल करेंगे तभी वो हमको आखिरत में काम आएगी. हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कुरान पढ़ो क्योंकि ये क़यामत के दिन ये अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश करेगी और इसका हक नहीं अदा किए तो क़यामत में हमारे खिलाफ भी गवाही देगी. कुरान 3 स्टेजेस में नाजिल हुई. स्टेज 1 असल कुरान लोहे महफूज में है, बाकी सारी कुरान की कॉपीज़ है जो कि मुसहफ कहलाती हैं. स्टेज 2 कुरान आसमानी दुनिया या बैतुल इज़्ज़ा को रमज़ान में लैलतुल क़द्र पर उतरी. स्टेज 3 आसमानी दुनिया से जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही के ज़रिए इसको हिस्सों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर लाए. पूरी कुरान को मेहर निगार फ्रॉम दारुल अरकाम सब ग्रुप 2 लेवल 1. मुझे ये तो पता था कि कुरान को समझ के पढ़ने में बहुत सुकून है और ये करेक्टली तब प्रूव हुआ जब मैंने तालीमुल कुरान को ज्वाइन किया. बहुत चीज़ों के बारे में पता चला जो लाइफ चेंजिंग थे. सूरह फातिहा फतहा से है, मतलब ओपनिंग. ये ओपनिंग ऑफ नमाज है और ओपनिंग ऑफ कुरान भी है, इसलिए इसको सूरह फातिहा कहा गया है. तिर्मिज़ी की हदीस से हमें यह भी पता चलता है कि सूरह फातिहा को और नाम से जानते हैं, जैसे उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब और सबाल मसानी. उम्मुल कुरान और उम्मुल किताब इसलिए कहा गया है क्योंकि इस सूरत में पूरी कुरान का समरी है या इसकी झलक है. और सबाल मसानी मतलब 7 रिपीटेड आयत, क्योंकि हम इसे बार बार पढ़ते हैं. सूरह फातिहा में अल्लाह की नेमतों का बयान है और अंबिया के वाक़या भी आए हैं. फिर हमें मौत के हालात और शरीयत के अहकामात का भी जिक्र आता है. और लास्टली गुमराह फिरकों और वो कैसे बातिल है, इनका भी मेंशन हुआ है. एक और हदीस में आता है कि सूरह फातिहा कुरान अजीम भी कहा गया है क्योंकि इसमें अल्लाह की तारीफ है, इसलिए इसे अलहम्द भी कहा जाता है. मेरा नाम महमूदा बेगम है और मैं तालीमुल कुरान लेवल 1 सब ग्रुप 2 की स्टूडेंट हूँ. कुरान का इल्म हर एक के लिए ज़रूरी है. कुरान की तफसीर सीखने का जज्बा मुझ में बहुत पहले से था. पहले मुझे इस कोर्स के बारे में इल्म नहीं था. बहुत लेट से ज्वाइन हुई, फिर भी अल्लाह के इज़्ज़त से आसानी से ये लेवल कम्प्लीट हुआ और उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह से आसानी होगी इंशाल्लाह. सूरतुल बकरा मदनी सूरत है. यह कुरान की सबसे लंबी सूरत है. इसका ज्यादातर हिस्सा 2 हिजरी में नाजिल हुआ और आखिरी 3 आयतें हिजरत से पहले नाजिल हुई. बकरा के मायने होते हैं गाय. इसमें गाय के ज़ुबह का एक वाकया है, इसकी वजह से इस सूरह का नाम सूरतुल बकरा पड़ा. सूरतुल बकरा की फजीलत में बहुत सारे अहादीस आते हैं. हदीस का मफहूम है, यकीनन जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है उस घर से शैतान भाग जाता है. इसके तिलावत से जादू का असर नहीं होता. सूरतुल बकरा और आल इमरान को अज़ज़हरावैन कहा गया है. ये अपने पढ़ने वालों के लिए क़यामत के दिन सिफारिश और साया बनेंगे. इस सूरे के आखिरी 2 आयतों की. मेरा नाम रफत अंसारी है और मैं तालीमुल कुरान सब ग्रुप 2 लेवल 1 की स्टूडेंट हूँ और मेरे ग्रुप लीडर तैयबा बाजी हैं. दिल में ख्याल था कि कुरान सीखना है और एक दिन मेरी सिस्टर ने कॉल की और डीए के डिटेल शेयर किए. सुनने के बाद ना बोल दी और आज 1 से 5 जूस 1 साल में अल्हम्दुलिल्लाह कम्प्लीट हुआ. इस दौरान बहुत आजमाइशों से गुजरना पड़ा और हर बार अल्लाह से मदद और एहसान की दुआ करती रही. अल्लाह ने आदम अलैहि सलाम को पैदा किए तभी तो हम वजूद में आए. आदम अलैहि सलाम की पैदाइश से पहले अल्लाह ने उसका जिक्र फरिश्तों के सामने किया. आयत नंबर 30 सूरह बकरा में इसका जिक्र शुरू होता है. आदम अलैहि सलाम हमारे अब्बा है और इससे हम पैदा हुए. आपस में हम सब आदम अलैहि सलाम की वजह से बहने हैं क्योंकि हम सब आदम अलैहि सलाम की औलादों में से हैं.
हूँ। मेरा नाम सलमा इखलाक है, मैं तालिमुल कुरान लेवल वन सब ग्रुप टू के स्टूडेंट हूँ। एक और ज्वाइन करके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। शुरुआत में कुछ वर्ड समझने के लिए परेशानी हो रही थी, लेकिन जैसे सीखते गए अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आने लगा। लेवल वन में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, जैसे बनी इसराइल कौन थे, बनी इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम का लकब था। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों में से जो भी कौमें निकली वो बनी इसराइल थे। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, उनसे 12 कौमें निकली, उन्हीं में से तमाम अंबिया अकराम आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से बनी इसराइल मिस्र गए। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के औलादों में से थे, अल्लाह ताला ने उन्हें बचा लिया और फिरौन के घर में उनकी परवरिश की। बनी इसराइल ने जिहाद से इनकार किया तो सज़ा के तौर पर 40 साल सहराई सिना में रहे। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के ऊपर बहुत सारे इनामात किए, अम्बिया अकराम भेजे, मन्ना और सलवा भेजा, उस बादलों का साया भेजा। बनी इसराइल और यहूद सेम चीज़ है, यहूद पर गज़ब हुआ, हमें उनकी तरह नहीं बनना है, हमें अपना अहद अल्लाह ताला से नहीं तोड़ना है, सिर्फ अल्लाह ताला से डरना है। मेरा नाम सईदा कौसर है, मैं तालिमुल कुरान की लेवल 1 की सब ग्रुप 2 की स्टूडेंट हूँ। मेरा सफ़र शुरू हुआ था तफसीरुल कुरान से, और जुज़ 1 के कंप्लीट होते होते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से मुझे ये समझ आ गया था कि कुरान का वर्ड टू वर्ड समझने में जो मज़ा है वो किसी और में नहीं। फिर क्या था, मैंने इमीडिएटली तालिमुल कुरान को शिफ्ट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा लेवल 1 कंप्लीट होता है अल्लाह सुब्हानहू ताला के फजल से। बस अल्लाह पाक से ये दुआ है कि हमारा लेवल 6 तक का सफ़र आसान फरमाए और कबूल फरमाए। हमें लेवल 1 में भी बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसा कि सूरह बकरा और सूरह अल इमरान में असाब सब का वाकया। उन्होंने दीन में हिलासाजी की थी जो कि कबीरा गुनाह है, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें इतनी बड़ी सज़ा दी कि उन्हें बंदर और खंजीर बना दिया। और सूरह बकरा के आयत 66 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, और फिर हमने उन्हें इबरतनाक बना दिया। उस टाइम पर जो लोग थे उनके लिए इबरत बना दिया अल्लाह ताला ने, और आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए अल्लाह ताला ने नसीहत बना दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम उन चीज़ों के करीब मत जाना जो यहूदी किए, उन्होंने छोटे छोटे हिलों से हराम को हलाल कर लिया था। मेरा नाम शबाना है, मैं लेवल 1 की स्टूडेंट हूँ, ग्रुप 2 से हूँ। मेरे लीडर तैयबा बाजी हैं। मुझे कुरान सीखने की बहुत ख्वाहिश थी, इसीलिए मैंने तालिमुल कुरान और दारुल अरकम में एडमिशन ली। माशाल्लाह हमारा लेवल ख़त्म हुआ, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और बहुत सारी आजमाइशें भी हुई। अल्लाह ताला की मदद से ये लेवल ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद है अल्लाह सुब्हानहू ताला से कि ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। जादू एग्जिस्ट है, ये कुरान से साबित है। सूरह बकरा की आयत 102, सूरह यूनुस की आयत 81 और सूरह फलक की आयत 4 से हमें जादू एग्जिस्ट है मालूम होता है, और सुन्नत नबी से भी जादू एग्जिस्ट है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू हुआ था। बनू ज़ुरैखा का एक शख्स जिसका नाम लईस बिन असीम था, उसने जादू किया था। सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी जादू उरूज पर था। लोग मूसा अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम के मौजूदे देखकर उसको जादू समझते थे, लेकिन ये तो मौजूदे थे अल्लाह की तरफ से नबियों पर। इसीलिए जादू सिर्फ जिन्नो शैतान कर सकते हैं, इसीलिए अल्लाह ने हारूत और मारूत दो फरिश्तों को ज़मीन पर भेजा ताकि वो बता सके कि जादू और मौजूदे में फ़र्क कर सके, लेकिन नहीं हुआ। इसी तरह जादू फैल गया। जादू करना, करवाना और जादू करने वाला ये सब कुफर है, ये जहन्नम में जाएंगे, हमें इससे बचना चाहिए। हमें बस कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसका हल ढूंढना है। कुरान सब ग्रुप 2 से शाहिदा सुल्ताना हूँ। मैं तैयबा बाजी का तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने उनके जरिए से मुझे इस ग्रुप में ज्वाइन करवाया और उसके कलाम को सीखने, समझने और अमल पैरा होने में नसीहत फरमाई है। वैसे तो तमाम कुरान ही नसीहत है। सुभान अल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जुड़ा हर वाकया से हम तवक्कुल और सब्र की मिसाल देखते हैं। 16 साल की उम्र से ही अपने बाप आज़र और अपनी कौम को एक अल्लाह की इबादत की तरफ दावत देना, उसमें आए हर आजमाइश पर अल्लाह पर तवक्कुल करना, हसबुनल्लाह व नेमल वकील, फिर ऐसी फरमानबरदारी पे अल्लाह ताला ने उन्हें तमाम लोगों का इमाम बनाया और वो अल्लाह के खलील बने। साथ ही अपनी औलाद को भी यही नसीहत करते रहे कि अल्लाह ने हमारे लिए इस दीन को चुन लिया है और ख़बरदार कि तुम मुसलमान ही मरना। अल्लाह ने इस्माईल, इसहाक, याकूब अलैहिस्सलाम की कसरत और बशारत देते हुए एक किताब, सहीफ़े और कसरत अंबिया को साथ उन्हें दुनिया और आखिरत में सवाब दे दिया। और उनकी आजिज़ी की मिसाल हम देख सकते हैं कि जब वो काबितुल्लाह की तामीर कर चुके तो उन्होंने दुआ की कि वो ए अल्लाह, तू हमारी इस अमल को कबूल फरमा, रब्बना तकबल मिन्ना इन्नका। मेरा नाम शमा परवीन है, मैं तालिमुल कुरान लेवल 1 सब ग्रुप 2 की स्टूडेंट हूँ। मुझे कुरान वर्ड टू वर्ड को सीखना और समझना था, इसलिए मैंने इसे ज्वाइन किया और अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ है कि आगे 30 जूस तक का सफ़र को हमारे लिए बेहतर करें, आमीन। क्योंकि 143 में अल्लाह सुबहान व ताला फरमाते हैं कि हम उम्मत वसत है और हमको जिम्मेदारी मिली है कि हम दीन के काम दूसरों तक पहुंचाए। जो काफिर है, जिनको हिदायत नहीं पहुंची है, उन तक हमको अपना दीन पहुंचाना है अदल और इंसाफ के साथ। और 144 में किबले की तब्दीली का हुक्म आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे ही हुक्म आ गया कि अपने चेहरे को खाने काबा की तरफ फेर लो, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद किबलतैन में थे, असर की नमाज थी, रुकू की पोजीशन में थे, उसी पोजीशन में डूरिंग नमाज अपना रुख चेंज कर लिया। शमीमा खान, तालिमुल कुरान पहले मेरी बेटी कर रही थी, 2-3 पारा होने के बाद उसे ऐसा लगा कि अब मुझसे नहीं होगा और वो छोड़ दी, तो उसको सिखाने के लिए फिर मैं ज्वाइन की ताकि मुझे देख कर वो फिर से शुरू कर दे करना। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ, आज उसका 10 पारा मुकम्मल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ा पहले की उम्मत पर भी फ़र्ज़ था, जिस तरह उम्मत मुहम्मदी पर फ़र्ज़ है। रोज़ा किसी भी हालत में माफ़ नहीं, अगर किसी मजबूरी के तहत कोई रोज़ा नहीं रख पाया तो बाद में पूरा करना है। हैज़ की हालत में भी रोज़ा माफ़ नहीं, इसकी कज़ा बाद में पूरी करनी है। और अगर एक साल के अंदर नहीं कर पाए तो आइंदा साल में रोज़े की कज़ा और कफ़ारा भी देना है। और हज साहिब इस्तेताद पर फ़र्ज़ है। ज़माने जाहिलियत में तवाफ़ नंगे होकर किया जाता था,
फतेह मक्का के बाद हज्जत अलविदा पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुशरिकीन हज नहीं करेंगे और तवाफ कपड़ा पहनकर किया जाएगा, क्योंकि अल्लाह बेहयाई को पसंद नहीं करता। मेरा नाम शेख सहबा है, मैं तालिमुल कुरान सब ग्रुप 2 लेवल 1 की स्टूडेंट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जुज़ 1-5 कंप्लीट कर लिया है और इसी तरह आगे इंशाल्लाह मैं जुज़ 30 तक कंप्लीट करना चाहती हूँ। इस कोर्स के ज़रिए मैंने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी है और बहुत सारे मिसकंसेप्शंस क्लियर किए हैं, जैसे कि तलाक का सही तरीका। शरीयत की तरफ से तलाक को हालत तौहर में देना है, यानी मेंसेस पीरियड्स के बाद जब औरत पाक हो, गुस्ल कर ले और हालत तौहर में हो तो उसके साथ बगैर सेक्शुअल इंटरकोर्स के तलाक दी जा सकती है। इसकी दलील सूरह तलाक आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला कहते हैं, ए नबी जब तलाक दो औरतों को तो हालत तौहर में दो, यानी पहली तलाक के बाद इद्दत शुरू हो जाती है और इस दौरान शोहर को रुजू करने का हक है, और अगर इद्दत गुजर जाती है और शोहर और बीवी में रुजू नहीं होता तो उनमें जुदाई हो जाएगी। इसको लेके एक बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि मियां बीवी के सेपरेशन के लिए 3 तलाक होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। अगर एक तलाक हो गया हो तो मियां बीवी सेपरेट हो जाते हैं और रुजू के चांसेस होते हैं। इसी तरह सेकेंड तलाक होती है और थर्ड तलाक होती है, और इसके बाद थर्ड तलाक के बाद रुजू के चांसेस नहीं होते हैं। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम शेख शफाया और मैं तालिमुल कुरान सब ग्रुप 2 लेवल 1 की स्टूडेंट हूँ। मुझे वर्ड टू वर्ड कुरान सीखना था पर मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था जहाँ से मैं इसे सीखूँ। फिर मेरी एक फ्रेंड ने मुझे तालिमुल कुरान के बारे में बताया तो मैंने इसमें फ़ौरन से रजिस्टर किया। अल्लाह के फजल से आज हमारा लेवल 1 कम्प्लीट हुआ और इससे मुझे ये पता चला कि मुझे कुरान के इल्म की और कितनी ज़रूरत है, और मैं इसे पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इसे लेवल 6 तक कम्प्लीट कर सकूँ। आयतुल कुर्सी सूरह बकरा 2 आयत 255। आयतुल कुर्सी कुरान की तमाम आयात में से सबसे आला और सबसे अफजल आयत है। सही मुस्लिम की रवायत है, अबी बिन क़ाब अन्हा फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है किताबुल्लाह में से कौन सी आयत सबसे अफजल है? उन्होंने फरमाया, मैं नहीं जानता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस पूछा तो उन्होंने कहा, आयतुल कुर्सी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पर हाथ फिराया और कहा, तुम्हें इल्म मुबारक हो। कुरान की सबसे बड़ी आयत आयत देन है, जो कर्ज और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के बारे में बताती है। सूरह बकरा की लास्ट 2 आयत 285 और 286 जो आसमान पर उतारी गई थी, उसकी फजीलत यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसने ये 2 आयतें पढ़ ली उसके लिए काफ़ी है। यानी मेरा नाम सुमैया सुल्ताना है, मैं सब ग्रुप 2 की स्टूडेंट हूँ। मेरा मेन पर्पस ज्वाइन होने का था कि जब मैं कुरान पढ़ूँ मैं समझ सकूँ कि मेरा रब आखिर मुझसे कह क्या रहा है। सूरह अल इमरान यानी फैमिली इमरान की, जो हज़रत मरियम के वालिद थे, हज़रत इमरान के इंतकाल के बाद जब उनके वाइफ प्रेगनेंट थी उन्होंने मन्नत की कि जो उनके पेट में है वो अल्लाह के लिए वक्फ कर देंगे। हज़रत मरियम की पैदाइश के बाद उनको अल्लाह की इबादत में लगा दिया और एक दिन फरिश्तों ने हज़रत मरियम को एक लड़की की खुशखबरी दी। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद उन्होंने पंखुड़े में बात की और कहा कि मैं अब्दुल्लाह हूँ। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा बनी इसराइल की तरफ और उन्हें बहुत से मौजज़े भी अता किए। यहूदों ने ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल की साजिश की, लेकिन अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिस्म और रूह के साथ आसमानों पर उठा लिया। और फिर हमने जंग बदर का वाकया भी देखा कि अगर सब्र और तक़वा हो तो अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी और कामयाबी भी ज़रूर मिलेगी। मेरा नाम सुमैया है और मैं तालिमुल कुरान की स्टूडेंट हूँ एंड सब ग्रुप 2 की मेंबर हूँ। मैंने इनिशियली ये कोर्स अपने पेरेंट्स के कहने पर ज्वाइन किया था। इस लेवल में कई बार ऐसे लगा कि अब कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन हमारे लीडर तैयबा बाजी के कांस्टेंट मोटिवेशन, मेरी माँ बहन के सपोर्ट एंड अल्लाह की रजा से अल्हम्दुलिल्लाह लेवल 1 कंप्लीट हो गया। कुछ की टेक अवेज इस लेवल के मेरे लिए ये हैं कि हम इस वक्त तक नेकी हासिल नहीं कर सकते जब तक कि हम अपनी पसंदीदा चीज़ में से अल्लाह की राह में खर्च ना करें, जैसे कि जैद बिन हरीसा ने अपने पसंदीदा घोड़े शुबिल को फी सबीलिल्लाह दे दिया, अबू तलहा ने अपना बाग बेरोहा को सदका कर दिया। एक्सट्रीम नेकी को बिर कहते हैं। हमारा काम है कि हम अल्लाह सुबहान व तआला की रस्सी को मजबूती से थामे रखें और तफरीके में नहीं पड़े। और यह रस्सी क्या है? ये रस्सी कुरान है। हमें कुरान को मजबूती से पकड़ना है और उसे फॉलो करना है। जुज़ 4 में कुछ जंग उहुद के वाक़यात भी मिलते हैं। जंग उहुद टुक प्लेस इन 3rd हिजरी शवाल के महीने में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर अल्लाह की मदद चाहिए तो हमें तकवा और सब्र से काम लेना होगा। मेरा नाम सैयदा मिराज फातिमा है, सब ग्रुप 2 लेवल 1 से। मेरे ग्रुप लीडर और गाइडिंग फोर्स इन दिस ब्यूटीफुल एनलाइटेड जर्नी तैयबा बाजी है। मेरा मेन मकसद इस कोर्स को ज्वाइन करने का कुरान को समझना और अपनी फैमिली के साथ इस खजाने को शेयर करने का है। सूरह नसा में औरतों के बारे में कई सारे अहकाम बताए गए हैं। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और उनकी फसली से हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया, और इनसे दुनिया के जनरेशन एंड जनरेशन ऑफ लोग एग्जिस्टेंस में आए। इस सूरह में ख़ास तौर से रिश्तेदारों के अच्छे सलूक और उनसे इत्तेफाक रखने के ऊपर स्ट्रेस किया गया है। इंसान के फौत होने के बाद उसके माल की तकसीम को विरासत कहते हैं। इसे इल्म नफ्स भी कहा जाता है। इंसान अपने 1/3 माल का हकदार है और वो जिसे चाहे उसे दे सकता है। रेस्ट अल्लाह के बताए हुए हक पे तकसीम होगा। खराबतदार ब्लड रिलेशंस और ज़रूरतमंदों को भी दिया जा सकता है। पहले औरतों को विरासत में कोई हिस्सा नहीं था, लड़कों को लड़कियों से दुगना हिस्सा मिलेगा। अल्लाह की इताअत में ही कामयाबी है और जन्नत है इंशाअल्लाह। मैं रुबीना नाज़ दारुल अरकम से लेवल 1 ग्रुप 2 से हूँ।
अल्लाह ताला का एहसान है कि मैं इस कोर्स से जुड़ी हूँ। मुझे हमेशा से ख्वाहिश रही थी कि कुरान को समझूँ, उसके अहकामात के बारे में जानूँ, तो अल्लाह ताला ने सबील किया और हिदायत हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इस कोर्स को कम्प्लीट करने में हमारी मदद फरमाया और इस पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन। लेवल फर्स्ट में ही हमें कई नई बातें हमको सीखने को मिली जिससे हम अब तक ला इल्म थे, जैसे कि गुलामों और लौंडी के बारे में। इस्लाम में लौंडी को लेकर जो कन्फ्यूजन है और जो कुछ मिसकंसेप्शन है एग्जैक्टली सही क्या है, आज हम उसे देखते हैं। अगर कोई औरत जंग जो अल्लाह की राह में होती हो उसमें माल गनीमत में आए तो वो लौंडी होगी। अब मालिक के ऊपर है कि चाहे तो उसे आज़ाद करके उसका निकाह किसी और से करवा दे, चाहे तो उस लौंडी से जिस्मानी ताल्लुकात कायम करे, उसे प्रोटेक्शन दे और सोसाइटी में ऐलान करे कि ये लौंडी उसकी मिल्कियत में है, इसको तमत्तु कहते हैं और ये इस्लाम में अलाउड है, या फिर चाहे तो उस लौंडी को आज़ाद करके उसे निकाह कर ले, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग खैबर के टाइम पर सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आज़ाद करके उनसे निकाह किया। इस्लाम ने औरत को बाजार से लाकर प्रोटेक्शन दी, इज्जत दी और आहिस्ता आहिस्ता इस गुलामी के सिस्टम को ख़त्म करने के लिए कई स्टेप्स लिए, जैसा कि गुलामों को आज़ाद करने को इनक्रेज किया गया और कई गुनाहों के कफारे में गुलामों को आज़ाद करने का हुक्म दिया। बुखारी की हदीस है, आप सल्लम फरमाते जिस शख्स के पास लौंडी हो वो उसको अच्छी तालीम और तरबियत दे और उसको आज़ाद करके उसे निकाह कर ले तो उसके लिए दोहरा जो है। मेरा नाम ज़ैनब हसन है, मैं तालिमुल कुरान लेवल वन सब ग्रुप टू की स्टूडेंट हूँ। तालिमुल कुरान ज्वाइन करने से पहले मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन अल्लाह के पास लौटना है, अमालों का हिसाब किताब होगा, दुनिया टेम्प्रेरी है, लेकिन तालिमुल कुरान ज्वाइन करने के बाद मैं आखिरत को हर पल सामने रख के जीना सीख गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने हमें कई चीज़ों से बचने का हुक्म दिया है, जैसे कि जिप्त जो है, जो सुपरस्टिशंस होती हैं, फ़ाल निकालना, बुरा शगुन मानना, जादू टोना, इन सबको जिप्त कहते हैं, और हर वो चीज़ जो अल्लाह के अलावा हो, अल्लाह की इताअत से सरखश हो, उन सबको तागूत कहते हैं, यानी गैर अल्लाह। जब दुश्मन के हमले का डर हो, जब जंग के मैदान में हो या खौफ का माहौल हो, उस वक्त पढ़ी जानी नमाज को सलातुल खौफ कहते हैं। इस नमाज में आधे लोग इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे, सलाम फेरेंगे, जब दूसरे आधे लोग जंग करेंगे यानी हिफाजत करेंगे। इसमें जमात में पढ़ने की फर्जियत बताई जा रही है। और जब इंसान सफ़र पर हो तो खसर नमाज पढ़ते हैं, खसर नमाज यानी नमाजों को आधा करके पढ़ना। ये सिर्फ तीन नमाज़ों के लिए है, यानी जहर, असर और इशा, फजर एंड मगरिब नमाज को फुल पढ़ना है। फजर वक्त पे पढ़ी जाएगी, जहर नमाज और असर नमाज को जमा के पढ़ सकते हैं, या जहर के टाइम या असर के टाइम, और इशा और मगरिब नमाज को मिला के पढ़ सकते हैं।